नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। राज्य विधानमंडल के पावर सत्र दौरान सरकारी पद भर्ती व पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेपर लीक को रोकने हेतु कानून बनाने विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उसे 3 से 10 साल की कारावास की सजा भी होगी। यह विधेयक गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई द्वारा रखा गया। बता दें कि कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम फडणवीस ने पेपर लीक मामले को कर कानून बनाने की घोषणा की थी। आगामी 17 फरवरी को पड़ रही आषाढ़ी एकादशी के पर्व को देखते हुए रेल मंत्रालय ने विदर्भ से पंढरपुर जाने वाले भाविक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 से 17 जुलाई के दौरान अमरावती सहित नागपुर व खामगांव रेलवे स्टेशन से पंढरपुर हेतु 6 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 13 व 16 जुलाई को अमरावती, 14 व 15 जुलाई को नागपुर तथा 14 व 17 जुलाई को खामगांव रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ियां पंढरपुर हेतु चलाई जाएगी, जिसके उपरांत वापसी हेतु मीरठ से नागपुर के बीच 17, 18 व 19 जुलाई को विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। चांदूर रेलवे के समीपस्थ धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत विरुल रोंगे गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 4 बच्चों की तबीयत कल रात भोजन के बाद अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे के आसपास नंदिनी प्रवीण साव उम्र 10 व चैताली राजेंद्र साव उम्र 6 की मौत हो गई। वही देवांश राजेश साव एवं भक्ति प्रवीण साव नामक 2 बच्चों की स्थिति विष बाधा के चलते गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विरुल रोंगे गांव में बस स्टैंड के पास रहने वाले साव परिवार के सभी सदस्यों ने बीती रात हमेशा की तरह भोजन किया, जिसके बाद नंदिनी साव व चैताली साव को देर रात अचानक ही पेट दर्द होने लगा, जिसके चलते नंदिनी को रात में ही धामनगांव रेलवे के एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया और दवा पानी करने के बाद घर वापस लाया गया। इस समय तक चैताली की हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी, जिसे तड़के 4 बजे के आसपास धामनगांव रेलवे स्थित डॉक्टर अब्तुर करके दवाखाने ले जाया गया, लेकिन इलाज जारी रहने के दौरान ही चैताली की मौत हो गई। उधर रात में इलाज कर घर ले आई गई नंदिनी की सुबह तक एक बार फिर हालत बिगड़नी शुरू हो गई, जिसे सुबह दोबारा अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसी दौरान साव परिवार में वेदांत साव व भक्ति साव नामक 2 बच्चों को भी पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके चलते इन दोनों बच्चों को भी डॉक्टर अब्तुर करके अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया, जहाँ पर दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। विधायक अड़सल ने विरुल रोंगे की घटना के बारे में विधानसभा में मुद्दा उपस्थित किया। उन्होंने घटना की जांच करने की मांग रखी। उसी प्रकार साव परिवार पर आई दुखद घड़ी में उन्हें आधार देने की मांग भी सरकार के सामने रखी। भाजपा नेता को मोबाइल फोन पर दुखद घटना का संदेश मिला, उन्होंने तुरंत सदन में विषय उठाया। राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए निशुल्क शिक्षा की घोषणा की थी, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ सके। वही अब राज्य सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं हेतु पूरा शुल्क माफ करने की घोषणा की है, जिसके तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े घटक व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्राओं को शिक्षा शुल्क व परीक्षा शुल्क में 50% की बजाय 100% प्रतिपूर्ति मंजूर की गई। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय के चलते EWS, SEBC व OBC छात्राओं के परिवारों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का राजकीय वातावरण फिर एक बार गर्म होने का आसार है। जिला बैंक में अचानक सत्तांतरण होने के पश्चात 30 दिसंबर 2023 की सभा में संविधान संशोधन का प्रस्ताव सत्ताधारियों ने पारित करवाया था, उसे सहकारिता मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। इस बारे में बैंक के हरिभाव मोड़ सहित 13 संचालकों ने सहकारिता विभाग में गुहार लगाई थी। विभाग के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने संशोधन रद्द करने का आदेश दिया है। सभी संशोधन की जांच कर नए सिरे से सुनवाई लेने का निर्देश भी दिया गया है। यह फैसला सत्तारूढ़ गट को बड़ा आघात माना जा रहा है। कोरम कम रहने पर सत्ताधीश संचालक बैठक नहीं ले सकेंगे। राज्य में MIDC के कुल 16 प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय है, जिसमें से विदर्भ के 11 जिलों हेतु केवल 2 प्रादेशिक कार्यालय ही है। ऐसे में बढ़ते औद्योगिकरण की तुलना में महामंडल के प्रादेशिक कार्यालयों की संख्या को बेहद कम कहा जा सकता है, जिसके चलते अकोला सहित राज्य के अन्य कई जिलों में प्रादेशिक कार्यालय शुरू किए जाने की मांग विगत लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिसके चलते MIDC ने विदर्भ के अकोला व चंद्रपुर सहित राज्य के सातारा, सोलापुर, बारामती, अहमदनगर व जलगांव इन 7 जिलों में
में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है। साथ ही इन नए कार्यालयों हेतु कार्यालयों की 92 नए पदों की भी निर्मिति की गई है। जून माह में काफी हद तक शांत रहने वाला मानसून जुलाई माह के आरंभ में ही सक्रिय हो गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि राज्य में आगामी 5 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है, जिसके मद्देनजर कोंकण व मुंबई के लिए ऑरेंज तथा विदर्भ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र, खानदेश व कोंकण में सर्वाधिक पानी बरसने की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विधायक सुलभा कोड़के ने प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क की बाधाएं दूर करने का आग्रह राज्य विधानसभा में किया। इससे अमरावती संभाग के बेरोजगारी की समस्या हल होने में मदद मिलेगी। महायुति सरकार के बजट पर शुरू चर्चा में भाग लेते हुए सुलभा कोड़के ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित कर सदन का ध्यान आकर्षित किया। विधायक रवि राणा ने दावा किया कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाली अचलपुर की फिनले मिल शीघ्र पुनः प्रारंभ हो जाएगी। उसी प्रकार बडनेरा की विजय मिल और गोपाल नगर की सूतगिरनी को लेकर भी उन्होंने राज्य विधानसभा में सवाल उपस्थित किए हैं। विधायक राणा ने फिनले मिल अपने ताबे में लेकर शुरू करने की अपील राज्य सरकार से की है। महाराष्ट्र में खरीफ सीजन शुरू है, कहीं बुआई हो चुकी है तो कहीं इसकी तैयारी हो रही है। कई बारिश के कारण अभाव में पुनः बुआई करनी पड़ सकती है। ऐसी अस्थिर परिस्थिति में महाबीज द्वारा संपूर्ण राज्य में बीजों की आपूर्ति शुरू है। इस प्रकार की संवेदनशील परिस्थिति में महाबीज के प्रबंध निदेशक सचिन कलंत्रे का अमरावती महानगर पालिका आयुक्त के रूप में किया गया तबादला रद्द करने की मांग निदेशक तथा शेयर धारकों ने की है। यह गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में संचालकों ने यह मांग उठाई। मराठा समाज सर्वेक्षण की जिम्मेदारी में कसूरवार ठहराकर तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार ने उपायुक्त जुम्मा पेरेवाले को कार्यमुक्त कर दिया था। 4 महीने में ही आयुक्त देविदास पवार का तबादला होने के बाद एक बार फिर उपायुक्त जुम्मा पेरेवाले बुधवार को महानगर पालिका पहुंच गए और मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे से मुलाकात कर ज्वाइन होने संबंधी रिपोर्ट भी पेश की। निगमायुक्त ने इस संबंध में मंत्रालय से संपर्क कर आदेश मिलने के बाद शुक्रवार 5 जुलाई अपरांत ज्वाइन कर लिया। देश के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अकोला के शिवनी विमानतल से अतिशीघ्र विमान सेवा शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी बातों को देखकर वे इस बारे में सकारात्मक निर्णय करेंगे। गुरुवार को मंत्रालय के कक्ष में अकोला के सांसद अनूप धोत्रे ने मोहोल से भेंट कर अकोला से विमान सेवा के विषय में चर्चा की। अमरावती शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की शुरुआत में ही डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान स्थिति में जून माह के अंत तक अमरावती मनपा क्षेत्र में डेंगू के 21 और ग्रामीण में 67 मरीज पाए गए, जिससे जीका वायरस को लेकर अमरावती जिले के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट घोषित किया गया है। वर्तमान स्थिति में जीका इस विषाणु के पुणे में 6 मरीज पाए गए हैं। मानसून की शुरुआत होते ही जिले में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मरीज अधिक पाए जाते हैं। मनपा के स्वास्थ्य विभाग तथा जिला मलेरिया विभाग द्वारा ऐसे संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच की जाती है। जिला मलेरिया विभाग द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक अब तक जिले में डेंगू के 61 मरीज और मलेरिया के 12 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा 37 मरीज चिकनगुनिया के हैं। मनपा मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट अंतर्गत मनपा संकुल संत गाड़गे बाबा मार्केट परिसर में प्लास्टिक जब्ती मुहिम छेड़ी गई है। डस्टबिन न रखने वाले दुकानदार को 500 रुपए और कचरा कहीं भी फेंक देने वाले दुकानदार को 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा में साईनगर से लेकर अन्य भागों में 25 दुकानों की जांच की गई। 4 दुकानों में डस्टबिन नहीं होने से उनको 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। स्थानीय फ्रेजरपुरा परिसर से होकर गुजरने वाले नागपुर मुंबई मिनी बाईपास के दोनों ओर अब घनी बस्तियां आबाद हो गई है, जिसके चलते इस मिनी बाईपास के दोनों ओर से बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वही इस सड़क से सभी वाहन काफी तेज रफ्तार से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे घटित होते रहते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सलीम मीरा वाले ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस विषय की ओर ध्यान नहीं दिया गया और फ्रेजरपुरा परिसर में मिनी बाईपास पर स्थित सरदार चौक व जामवाला चौक पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं किए गए तो वे प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। लाखों हिंदू भावना को दुखाने वाले वक्तव्य देने वाले कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर मामला दर्ज करने की मांग तिवसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिवसा थाने में की गई शिकायत में की गई।
लगातार दूसरे दिन पुलिस की सफलता की यह स्टोरी है। अपराध शाखा यूनिट 2 में निरीक्षक राहुल आठोले के नेतृत्व में सेंधमारी के 2 आरोपियों को दबोचा। इन दोनों ने शहर में एक दर्जन घरों में लाखों का माल पार कर देने की बात स्वीकार की है। आरोपियों में महबूब खान, समीउल्लाह खान और मोहम्मद शोएब मोहम्मद शाबिर, इनसे 100 ग्राम सोना और 350 ग्राम चांदी बरामद की है। यह जानकारी सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। तथापि पुलिस ने जिन सुनारों से सोना रिकवर किया गया है उन ज्वेलरों के नाम नहीं बताए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने गत 2 माह में चोरी की इन वारदातों को अंजाम दिया था। यूनिट टीम ने नागपुरी गेट परिसरात राहणारे 2 आरोपींना अटक केलेली आहे, ज्यांनी शहरामध्ये 12 घरफोड्या मागच्या 2 महिन्यामध्ये केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे। ते सर्व 12 घरफोडी डिटेक्शन झालेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात रिकव्हरीसुद्धा त्यांच्याकडून मुद्देमालाची करण्यात आलेली आहे। यामध्ये आणखी रिकव्हरी करण्याची प्रयत्न सुरू आहे। जेवढे मुद्देमाल गेलेला होता आतापर्यंत 7.5 लाखाचं सोना आणि चांदीचे दागिने हे या आरोपींनी ज्या व्यक्तीकडे विकले होते ज्या सोनारकडे ठेवले होते त्याच्याकडून रिकव्हरी करण्यात आलेली आहे। बीते वर्ष 11 दिसंबर को शिवनगांव से लौट रहे भक्तों के ट्रैवलर वाहन पर फायर कर उन्हें किडनैप करने का प्रयास करने वाले 2 कुख्यात अपराधियों को ब्रांच यूनिट नंबर 1 ने गुरुवार को यूपी से प्रतापगढ़ जिले से धर दबोचा। उनकी पहचान सुयांश त्रिपाठी अनुज दुबे के रूप में हुई है। इन पर लूट हत्या जैसे कई गंभीर आरोप है। घटनाक्रम के अनुसार नानगांव थाना क्षेत्र के शिवनगांव के पास बोलेरो कार में सवार होकर आए 5 डकैतों ने शेगांव से लौट रहे भक्तों के ट्रैवलर वाहन पर फायर कर उन्हें किडनैप करने का प्रयास किया था। तब से पुलिस इन दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इन घटना में यात्री तो सकुशल बच गए लेकिन फायरिंग में चालक घायल हो गया था। इस घटना को विफल होता देख डकैतों ने अन्य ट्रक को अड़ाकर चालक व क्लीनर को बंदी बना लिया था। ग्रामीण पुलिस का घटक रहने वाले शिरसगांव कब्जा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी में एक मामले की जांच करते हुए लक्ष्मण कालमू धुरवे इसको गिरफ्तार कर चुराए गए ट्रैक्टर को भी बरामद किया। शिरसगांव निवासी प्रकाश गुजर इनका ट्रैक्टर विगत 3 जुलाई को किसी ने खेत से चुरा लिया था। गुजरात के युवक से प्रेम विवाह करने के बाद उसके अत्याचार के कारण विवाहिता अमरावती मायके लौट आई। मायके पहुंचकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 8 मई की शाम 6:45 के दौरान दंडे प्लॉट में यह घटना घटित हुई। मृतक महिला का नाम ज्योति मितेशी डाबी बताया गया है। इस प्रकरण में राजापेट पुलिस ने आरोपी पति अहमदाबाद के मणिनगर निवासी मितेश डाबी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया गया है। शहर में डेंगू से 3 जुलाई को युवक की मृत्यु हो गई। इस कारण सार्वजनिक स्वच्छता का मुद्दा फिर गर्मा गया। शहर की साफ सफाई के लिए मुख्याधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मृतक युवक का नाम ताज कॉलोनी निवासी अब्दुल नासिर अब्दुल कलाम है। मुलाकात के लिए न आने पर फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर एक नाबालिग का विनय भंग किया गया। 21 से 29 जून के दौरान यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में बरूड पुलिस ने ताहिर खान सनाउल्ला खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भीवापुर बांध पर घूमने गए एक युवक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई जबकि 2 युवक बाल बाल बच गए। गुरुवार 4 जुलाई की शाम 6:00 के दौरान यह घटना घटित हुई। मृतक युवक का शव शाम 7:00 रेस्क्यू दल को बाहर निकालने में सफलता मिली। मृतक युवक का नाम अक्षय सुधाकर नस्करी है। लगातार गाली गलौच और धमकियों से परेशान होकर एक 33 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 28 जून को बरूड तहसील के चांदस वाठोड़ा ग्राम में घटित हुई। मृतक युवक का नाम नंदकिशोर सुरेश खड़े है। पुलिस ने आरोपी शंकर रमेश माले इसको 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। पति और ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर अंजनगांव में बिहाई अमरावती की बेटी ने शिकायत दर्ज करने पर नागपुरगेट थाना पुलिस ने इस मामले में पति व ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपनी दोपहिया से जाते समय ट्रैफिक कार्यालय के सामने एक कार ने दोपहिया सवार को टक्कर मारने के कारण बाइक सवार को मामूली चोट आई है। पत्नी की शिकायत पर गाड़ीनगर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के कॉटन मार्केट स्थित एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान पर कैस्ट्रॉल कंपनी का नकली ऑयल बेचे जाने की जानकारी मिलने पर दिल्ली की संबंधित कंपनी के आईपीआर दल ने छापा मारकर 31,000 रुपए का नकली ऑयल जब्त किया। कंपनी के स्टिकर लगाकर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायी का नाम जूना कॉटन मार्केट परिसर निवासी विपिन किशोर अग्रवाल है, जबकि शिकायतकर्ता का नाम इंदौर निवासी गौरव गिरीश श्रीवास्तव है। गांव जाने के लिए बस की प्रतीक्षा में सड़क किनारे खड़ी एक महिला को चारपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना बुधवार की रात मोजरी बस स्टैंड के सामने घटित हुई। मृतक महिला का नाम नागपुर निवासी प्रमिला अरविंद भालेराव है। पत्नी को कैंसर रहने के चलते एक व्यक्ति अपनी पत्नी व बेटी को लेकर 3 माह पहले केरल से नागपुर आया था और 3 माह तक निजी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद पैसे खत्म हो जाने के चलते पति पत्नी ने पहले अपनी 11 वर्षीय बच्ची को जहर पिलाया और खुद भी जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। वही जहर पीने की वजह से 11 वर्षीय बच्ची गंभीर स्थिति में पहुंच गई, जिस पर नागपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक पति पत्नी के नाम रिजु उर्फ विजय नायर तथा प्रिया नायर बताए गए है। वही उनकी बेटी वैष्णव इस समय गंभीर स्थिति में है। यवतमाल के उमरखेड तहसील अंतर्गत शिवाजी नगर स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में 3 दिन पहले ही शिक्षिका के तौर पर नौकरी शुरू करने वाली मनीषा अरविंद घोड़के नामक महिला एक अजीबोगरीब हादसे का शिकार हो गई। जिला परिषद शाला में अपनी पहली नियुक्ति और अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी को अपनी शाला के विद्यार्थियों के साथ मनाने हेतु चॉकलेट लेकर स्कूल की ओर निकली मनीषा घोड़के की साड़ी का पल्लू दोपहिया वाहन के पहिए में अटक गया, जिसके बाद वह चलती दोपहिया से नीचे सड़क पर आ गई और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे में नई नौकरी और बेटी के जन्मदिन की वजह से बेहद खुश रहने वाले घोड़के दंपति की खुशियां एक झटके में खत्म हो गई। वर्धा के देवली तहसील अंतर्गत भीड़ी गांव में एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार के चलते 23 वर्षीय युवती पर कैंची से सपासप वार किए, जिसके चलते युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए संदीप मसराम नामक सिरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लिया।